मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। लूट व चोरी के वाहनों का कत्ल गहा चलाकर अर्जित की गई संपत्ति अब कुर्क होने का नंबर आ गया है। वाहनों का स्लॉटर हाउस चलाने के लिए कुख्यात मेरठ के सोतीगंज में इस काले धंधे में लिप्त कबाड़ियों की संपत्ति एक के बाद एक कुर्क की जा रही है। पुलिस ने अभी तक ऐसे 32 कबाड़ियों की लिस्ट तैयार की है जो नाम के तो कबाड़ी हैं लेकिन वे इस धंधे की बदौलत करोड़ों में खेल रहे हैं। शातिर कबाड़ी हाजी नईम उफ गल्ला के बाद आज आदिल कबाड़ी के घर की कुर्की कर ली गई। कुर्की के दौरान घर की महिलाएं आगे आईं लेकिन महिला पुलिस ने उन्हें चुप करा दिया। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फास्ट बाइट टीवी। अब तक पुलिस नईम उप हाजी गल्ला, उसका बेटा बिलाल व इलाल, जिशान उप पौवा, सोएब केले वाली गली, फुरकान, अलीम, खालिद, वसीम के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। इन 32 कबाड़ियों की संपत्ति करीब 10 अरब रुपए तक बताई जा रही है। सोतीगंज के करीब 160 गोदाम व दुकान पुलिस के रडार पर है। आज फरार आदिल कबाड़ी के सोतीगंज स्थित मकान की कुर्की कर ली गई। दरअसल दिसंबर 2020 में रेलवे रोड थाना क्षेत्र में एक बाइक चोरी हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को गिरफ्तार कर लिया था। रिमांड पर उसने बताया कि चोरी की बाइक उसने सोतीगंज के कबाड़ी आदिल को बेची थी। पुलिस ने आदिल को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन वह फरार हो गया। करीब 2 माह पूर्व अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। पिछले माह रेलवे रोड पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मकान पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया था। इस पर आज एसपी सूरज राय के निर्देशन में पुलिस ने कुर्की को अंजाम दे दिया। मना हो गई तो हो गई, कोर्ट से आदेश हमारा कोई तो आपने हमें बताया को नहीं, हमें नोटिस क्यों नहीं देके गए? आप हमारे घर पर लेके जाके आप बैठ चुके हैं हमें दसवानी की थी, एक महीने में टाइम मिला। हां आदिल के घर जाएंगे ना? हां मारो तो यहां आप पर जाएंगे ना? हम तो जाएंगे कहीं से आप आए हैं ये अभियुक्त का नाम आदिल सनौफ आस मोहम्मद है, जो मुकदमा अपराध संख्या 10/21 थाना रेलवे रोड IPC की धारा 413 में वांछित था। इसके विरुद्ध न्यायालय से 82 CRPC की कार्रवाई की गई, इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया और अब माननीय न्यायालय से 83 CRPC का आदेश पारित हुआ है जिसके तहत इसके घर की कुर्की की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।